हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन आई वेलकम यू ऑल एट आई एस आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल सो टुडे एवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट न्यूज इन आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू न्यूज पेपर सो लेट सी वॉट इम्पॉर्टेंट न्यूज वी गॉट टू टू डिस्कस बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो फॉर पी डी एफ ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एडूवर्स आई एस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें, सो so दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके यहाँ पर कवर हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज डायरेक्ट टैक्स की टिपेक्सा पेस टू ट्वेंटी पॉइंट ट्वेंटी फाइव परसेंट बाई फैफ्ट है अब यहां पर हम बातचीत कर रहे हैं जैसे कि आपका टू टाइप्स का टैक्स होता है एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स नाउ डू यू नो वट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स ओके सो लेट मी टेल यू डायरेक्ट टैक्स मीन्स द टैक्स वी डायरेक्टली पे टू द गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल आप जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं कि आपका जो इनकम uh, है इतना है और उसके अकॉर्डिंग आप जो डायरेक्टली गवर्नमेंट

सर्विस ले रहे हैं जो चीजें हम हमें पे प्रोडक्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज परचेस कर रहे हैं उस पर भी हमें टैक्स देना पड़ रहा है जीएसटी दे रहे हैं सस्ट चार्जेस दे रहे हैं तो ये सारे क्या हो जाते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं सो तो अभी गवर्नमेंट में ये कहा जा रहा है ये मतलब कि आपका अभी डेटा तो अभी आप लोगों को बिल्कुल याद नहीं रखना है क्यों क्योंकि ये डेटा चेंज होता रहता है है ना तो डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें सिर्फ ये कहा जा रहा है कि इन फेब्री टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एज फेब्री टेन दस फरवरी तक का पूरा जो एस्टिमेशन रिवाइज हुआ है इसमें यह कहा जा रहा है कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वह वो एटी पॉइंट ट्वेंटी थ्री परसेंट मतलब यहां पर इंक्रीज हुआ है हमें यह देखने को मिला पूरा कलेक्शन कितना है डायरेक्ट टैक्स से एटी पॉइंट ट्वेंटी थ्री परसेंट ना ये डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है आपको ये भी समझना होगा सो यू ऑल नो दैट जितनी भी आपकी स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट लेकर आती है योजना लेकर आती है कोई भी काम करती है तो डायरेक्ट टैक्स इज अ रेवेन्यू सोर्स ऑफ गवर्नमेंट ये एक रेवेन्यू का सोर्स है गवर्नमेंट का गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ आएगा अगर कुछ गवर्नमेंट को कोई भी प्रोग्राम लॉन्च करना है कोई भी पॉलिसी लेकर आनी है उसके लिए आपको मनी चाहिए और वो पैसा कहाँ से आता है तो ये डायरेक्ट टैक्स से आता है अब हम यहाँ पर कुछ सोर्सेस देख लेते हैं कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहां, कहां से आता है सो रूपीज कम फ्रॉम कहाँ से पैसा आता है तो so, आप देखेंगे जो आपका यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटीज होती है फिर यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटीज होती है गुड्स एंड टैक्सेस जो हम इनडायरेक्ट टैक्स की अभी बात कर रहे थे नॉन डेट कैपिटल रिसिप्टो इन सबसे आपका पूरा रुपीज आता है सबसे ज्यादा जो है गवर्नमेंट किस टाइम पर क्या है बोरोविंग एंड लाइब्रिटीज मतलब जो मेंट दूसरी पार्टी से क्या करती है बोरो करती है लोन लेती है तो वहां से सबसे ज्यादा आता है बट ये हमारे लिए क्या है प्रॉब्लमेटिक हो जाता है समटाइम्स कैसे इससे क्या होता है आपका जो ट्रेड डेफिशिट है वो ट्रेड ट्रेड डेफिशियट है वो इंक्रीज होता है ना व्हाट इज द ट्रेड डेफिशियट अब ये क्वेश्चन आता है सो ट्रेड डेफिशियट का मतलब आपके पास उतने पैसे नहीं है लेकिन आपने उधार ले लेके कर्जा ले लेके डेट ले लेके ले, ले क्या कर लिया है आपका जो स्पेंडिंग है उसको बढ़ा लें फॉर एग्जाम्पल आप महीने के हजार रुपए यहाँ पर आपकी अर्निंग है बट यू आर स्पेंडिंग टू थाउजेंड योर अर्निंग्स इज वन थाउजेंड आपकी अर्निंग कितनी है आपकी सैलरी वन थाउजेंड है लेकिन आप महीने के दो हजार रूपए खर्चा कर रहे हैं अब इस दो हजार का जो खर्चा है आपका उसमें आपको एक हजार एक्स्ट्रा कहीं से आप क्या कर रहे हैं बोरो कर रहे हैं क्योंकि आपकी सैलरी तो उस चीज को फुलफिल नहीं कर पा रही है तो ये आपका क्या है डेट है अब लेकिन कभी ना कभी इसको आपको क्या करना होगा उन्हें रीपे करना होगा और इसके साथ साथ इसमें इंटरेस्ट रेट भी लगता है सो देट इज आपका ये क्या कहलाता है ट्रेड डेफिशिट ओके आई होप आपको ये क्लियर होगा अब रुपीज गोज टू पैसा जाता कहाँ कहाँ है जैसे कि पेंशन में आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होता है उसमें ट्वेंटी परसेंट आपका पूरा पैसा जाता है जितना हम लेते हैं उसमें से ज्यादा हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं जो भी आपके अदर एक्सपेंडिचर्स होते हैं स्टेट के साथ जो हमारा टैक्स शेयर होता है ड्यूटी शेयर्स होती हैं

अब देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं देखिए ये पूरे आर्टिकल में आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है इस आर्टिकल में एक्चुअली हुआ ये है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने व्हाइट पेपर रिलीज किया है ऑन अ पार्लियामेंट उन्होंने इकोनॉमी का जो व्हाइट पेपर है उसको यहाँ पर प्लेस किया है न उसमे वाइट पेपर क्या होता है आपके पास अब ये क्वेश्चन उठता है इससे पूरा आपको इन्वॉल्व नहीं होता उस पेपर में बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा कि जो आपकी प्रीवियस गवर्नमेंट थी तो हम उसमें अगर बात करते हैं एनडीए अलायंस की नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की तो जब 2014 में जब से आ, यहाँ पर लिफ्ट हुआ है ये वाली बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो यहाँ पे हाई प्रोफाइल हमें देखने को मिलता है जो स्कैम्स वगैरह पहले हुए थे अब ऐसे नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है व्हाट इज दिस व्हाइट पेपर एंड व्हाट इज दिस ब्लैक पेपर एक ब्लैक पेपर भी होता है और एक वाइट पेपर होता है अब वाइट पेपर क्या है इसके बारे में हम पहले देखते हैं सो व्हाइट पेपर इज वाइट पेपर प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड प्रपोजल ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक और इशू इट एम्स टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर्पज सोल्यूशन और प्रेजेंट रिकमेंडेशन फॉर एक्शन इट्स ऑफन प्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपर्टर शेप ऑफ दी पॉलिसी अब देखिये इसमें क्या है वाइट पेपर है एक आप ऐसा कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होता है फॉर एग्जाम्पल टू थाउजेंड फोर्टीन से लेकर 2023 तक बीजेपी गवर्नमेंट्स में क्या क्या किया सारी चीजें वो क्या करेंगे अपनी बताएंगे कि हम ये सारी चीजें की हमने पूरा ये एनालिसिस किया ये टॉपिक है आपका हमने हमारा ये प्रोसेस रहा है इस प्रॉब्लम uh, के लिए हम ये सॉल्यूशन लेकर आए सो ब्ला सो ऑन ये आपका उसमें क्या होता पूरा वो क्या करते हैं इसमें जो भी गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस करती है ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी व्हाइट पेपर को प्रोड्यूस कर सकता है या फिर कोई भी हम पॉलिसी को शेप कर रहे हैं तो उसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं लेकिन ऑल्सो प्रोवाइड दिस व्हाइट पेपर सो so, व्हाइट पेपर के एक क्रूशल रोल प्ले करता है फॉर द इनफॉर्मिंग पॉलिसी मेकर स्टेक होल्डर्स एंड पब्लिक अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज इनिशिएटिव एंड इंटेंट इम्पैक्ट ऑन द इकोनमी तो यहाँ पर जो भी आपकी पॉलिसीज है उसका पब्लिक पर क्या इम्पैक्ट रहा इकोनॉमी पर हमारे क्या इम्पैक्ट रहा सो so, ये सारा आपका व्हाइट पेपर्स के थ्रू हमें पता चलता है अब थोड़ी सब कैरेक्टर स्टेस की बात करते हैं पेपर की तो इसमें हमें कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन मिलती है पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है पर्टिकुलर टॉपिक इशू एंड पॉलिसी इसका जो ऑब्जेक्टिव टोन है मेंटेन एज अ ऑब्जेक्टिव एंड न्यूट्रल टोन प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड एनालिसिस विदाउट स्ट्रांग ओपिनियन एंड बायसिस तो यहां पर क्या है Uh, इसका जो मेनटेन न्यूट्रल टोन में इसको रिप्रेजेंट करना होता है और विदाउट यहाँ पे कोई बाइसनेस नहीं रखना होता कि हम पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट में हम ये बाइसनेस है उसके बाद हम यहां पर ये कर रहे हैं अथॉरिटेटिव सोर्स होता है एक तरीके से पॉलिसी रिकमेंडेशन होती है एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेटिव ये हो सकता है इवन हम इसको एज अ सोर्स एजुकेशन सोर्स भी क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं ना वट इज दिस ब्लैक पेपर एक ब्लैक पेपर भी होता है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं ब्लैक पेपर प्रेजेंट अ क्रिटिकल एंड डिसेंटिव व्यू पॉइंट ऑन अ फॉर एग्जाम्पल तो कोई भी टॉपिक है और जो डिस्टेंटिव व्यू पॉइंट है उसे प्रेजेंट कर रहे so, आपका क्या होता है ब्लैक पेपर सो पर्टिकुलर टॉपिक है कोई भी पॉलिसी है कोई भी इशू है तो उसमें जो हमारा व्यू पॉइंट है बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है सो दैट इज कॉल्ड ब्लैक uh, पेपर इसमें क्रिटिकल एनालिसिस होता है अपोजिशनल uh, स्टैंड होते हैं कॉन्ट्रोवर्सियल टॉपिक्स जो आपके होते हैं ना कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स तो उनको यहाँ पे प्लेस किया जाता है एविडेंस uh, बेस्ड यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना एडवोकेसी फॉर चेंजेस यहाँ पर क्या चेंजेस हम कर सकते हैं रिफॉर्म अल्टरनेटिव अप्रोचेस को यहां पर एड्रेस किया जा सकता है सो दैट जो भी इशू है उसको हम रिजोल्व कर सके सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू ना नेक्स्ट आर्टिकल इज दिस आर्टिकल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू आपको इसमें ये पूरा ही आर्टिकल आप ऐसा का ऐसा ही इसको न, कट पेस्ट कर लें अपने नोट्स में तो आपके लिए बेटर रहेगा ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए अब इसमें पूरे फैक्ट्स हैं आपको पहले ये भी याद रखना है और आपका जो मीन्स बेस्ड है है ना इसमें बहुत अच्छे से प्रिस्क्राइब किया गया है सारी चीजों को अब पहले हम बात करते हैं अ प्रिवलेस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विदाउट अ गल्फ अब इसमें गल्फ कंट्री के बारे में बात हो रही है अब कौन सी गल्फ कंट्री हम यहां पर बात कर रहे हैं यूएई के बारे में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ना पहले हम इसकी थोड़ी सी लोकेशन देख लेते हैं उसके बाद हम थोड़ी फर्दर आगे बढ़ेंगे सो so, लोकेशन आप एज यू कैन सी दिस इज इंडिया ये हमारा प्यारा भारत है यहां से हम मूव करते हैं अरेबियन सी आता है और इसके बाद ये आपका यू आप कैन यू सी दैट ओके सो हम इस मैप में, में देखते हैं आपको ज्यादा क्लियर होगी सो so, ये आपका कतर है ये यू सऊदी अरेबिया ये मन ओमन अब देखिए ये जो गल्फ कंट्रीज है यहाँ पर वैसे इंडिया के जो रिलेशन है ऑलमोस्ट हर कंट्रीज के साथ अच्छे हैं आप सभी को यहाँ पर पता है लेकिन इस आर्टिकल में पर्टिकुलरली हमने किस पर फोकस किया यूए के साथ फोकस किया ओके नाउ दिस आर्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज कैड्यूल्ड टू पे अ ऑफिशियल विजिट टू द यू फ्रॉम फेबर 13 एंड 14, टू ट्वेंटी फोर अब यहां पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ऑफिशियल विजिट पर जा रहे हैं कहा यूए अब क्यों जा रहे हैं आप सभी ने न्यूज में सुना होगा कि यूए में एक हिंदू टेम्पल का क्या हुआ है? आपका कंस्ट्रक्शन हुआ है आप लोगों ने ये सुना होगा तो उसी हिंदू टेंपल को मतलब वो जो है उसके इनोग्रेशन के लिए यहाँ पर इस विजिट में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं ओके सो so, उस टेम्पल का नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये टेम्पल बहुत ज्यादा न्यूज में है और ये यूए में है इसलिए हमारे लिए क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट हो जाता है सो इनोग्रेटिंग टेम्पल बिल्ड बाय अ स्वामी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी स्वामी नारायण संता इन अबू धाबी ओके सो इस टेम्पल का नाम अगर हम देखते हैं तो इस टेम्पल का नाम है बाप बी ए पी एस बाप्स। दो हजार पंद्रह से देखें पंद्रह so के बाद एंड इन लास्ट एट मंथ से, okay, से देखें तो में हम यहाँ पर मतलब तीन बार आपकी क्या हो चुकी है विजिट हो चुकी है किसकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की टू दू ए उसके बाद हम बात करते हैं इन दिस शॉर्ट ड्यूरेशन इंडियाज रिलेशनशिप विद यू एज इवॉल्व इन टू बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेट बायलिटरल रिलेशनशिप फॉल न्यू डेहली तो यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि इतने शॉर्ट ऑफ टाइम में आज के टाइम पे यू ए हमारा एक बहुत ही प्रोमिनेंट बाइलिटरल पार्टनर रहा है और उसके साथ हमारे जो रिलेशन है वो और ज्यादा यहाँ पर क्या होते जा रहे हैं इवॉल्व हो रहे हैं ओके उसके बाद आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो यूए के प्रेसिडेंट थे है ना यहाँ जब इंडिया आए थे तो उनके साथ यहाँ पर रोड शो भी हुआ था आप लोगों को अगर ये पता होगा यहाँ पर रोड शो भी किया गया था है ना जब आपकी यहाँ पे गुजरात समिट हुई थी गांधीनगर में जनवरी में जब वाइब्रेंट गुजरात समिट हुई थी तो उसके चीफ गेस्ट थे और टेंथ वाइब्रेंट गुजरात समिट के चीफ गेस्ट थे और यहाँ पे गांधीनगर में जो रोड शो हुआ था तो उसमें किसको यूए के प्रेसिडेंट जी को यहाँ पर फैसिलिटेट किया गया था इवन आप देखेंगे मिस्टर मोदी विल आल्सो एड्रेस द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ऑन फेब्री 14 इन दुबई एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर और दुबई में जो ये आपका वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट होने वाला है उसे यहां पर गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह एड्रेस करेंगे अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं इनको यहां पे नोट करना है अब देखिए अभी हमने देखा यहां पर कि हमारा रिलेशन कितने ज्यादा मतलब कि आप देख सकते हैं कि 2015 से लेकर अगर हम देखें तो सातवीं बार सेवेंथ मतलब कि सातवीं बार जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उस कंट्री की विजिट में जा रहे हैं तो इसका मतलब कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है उस कंट्री के साथ हमारी फर्स्ट आपका आ जाता है यूएसर बोत इंडिया एंड यू ए को लॉन्च द ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशियेटिव अब आप सभी को पता है कि जो कॉप ट्वेंटी एट क्लाइमेट दुबई में ही हुई थी ठीक है इसमें जो ग्लोबल क्लाइमेट इशूज थे यहां पर हमारे कुछ आइडियाज में कन्वर्जेंस देखने को मिल रही थी बट स्टिल यहाँ पर इंडिया और यूए ने को लॉन्च किया है क्या ग्लोबल ग्रीन Credit initiative. आपको ये याद रखना है उसके बाद सेकंड पॉइंट में आते हैं अगर हम इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात करते हैं तो इसमें भी हमने एक स्ट्रांग पिलर को आ, क्या किया डेवलप किया है जैसे कि बाइलिटरल ट्रेड ग्रू एटी बिलियन डॉलर इन 2022 एंड 23 आपको ये याद रखना है कि यूए के साथ हमारा जो बायलिटरल पार्टनरशिप है जो ट्रेड है इट इज 85 बिलियन डॉलर मेकिंग द यू इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर तो ये यूएई क्या है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एंड इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन मतलब यूए का अगर इंडिया की यूए के लिए इंडिया क्या है थर्ड नंबर पर आ रहा है जहां पर इतना ज्यादा वो क्या कर रहा है ट्रेड कर रहा है और इंडिया की अगर हम बात करते हैं सो तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट हो रहा है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करते हैं सो तो यूए में हम सेकंड नंबर पर मतलब की सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं यूए में कर रहे हैं आपको क्लियर हुआ ये यूएई के लिए मतलब हमारा जो ट्रेड उनका जो ट्रेड है सबसे ज्यादा वो ट्रेड इंडिया में उनका थर्ड नंबर पर आ रहा है और इंडिया के लिए एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो यहां पर कितना है सेकेंड नंबर पर है ओके नाउ नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आ जाता है ऑल्सो द फोर्थ लार्जेस्ट ओवरऑल ओवरऑल इन्वेस्टर इन इंडिया सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टर है यू आई के वो कहा है इंडिया के ना नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं इंडिया यू आई कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यहां पर फेबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में साइन हुआ था ओके okay? उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हम मूव करते हैं सो so, इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो अप्रूव द साइनिंगशन ऑफ अट्रल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विथ यूए हमने यूए के साथ यहाँ पर जो बायलिटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसे भी साइन किया है जिससे हम क्या कर सके जो हमारा बायोलिट्रल इकोमी है उसे बूस्ट कर सके इसमें और ज्यादा इंगेजमेंट और जो स्पेशली मैन्युफेक्चरिंग है एंड फॉरिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसको क्या कर सके हम सिग्निफिकेंटली इसमें बूस्ट कर सके नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अब हम uh, किस, बात करते हैं डिजिटल सेक्टर की ठीक है हमारा जो डिजिटल सेक्टर है और जो पेमेंट सिस्टम है अब जो रुपए कार्ड है है ना अब की कंपोनेंट हमारा जो रुपए कार्ड है आप सभी को पता है कि हमारा जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये की कंपोनेंट है ये यूएई में 2019 में क्या किया गया था आपका एक्सेप्ट किया गया था उसके बाद जो यूएई के आपके दुबई के जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पर रुपीस में आप क्या कर सकते हैं ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं यूएई ने आल्सो यहां पे ऑपरेशनलाइज किया है आ, रुपी देरम सेटलमेंट सिस्टम यहां पर जो दीरम है आपका और रूपीज है इसमें हमने क्या किया है आपका जो सेटलमेंट सिस्टम है उसको ऑपरेशनलाइज किया है नाउ इसी के चलते आप देखेंगे इन टू थाउजेंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मेड अ रूपी पेमेंट टू द अबू धाबी For crude oil तो जो हम नेशनल रुपीज में हुआ सो so, आप देख सकते कि हमारे जो रिलेशन है वो किस लेवल पर जा रहे हैं एनर्जी सिक्योरिटी सेक्टर में बात करते देखिए अगर इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है तो यूए के लिए भी क्या है? इंडिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूए के पास क्या है आपका ऑयल रिजर्व है अब वो ऑयल रिजर्व को क्या करेंगे सबसे ज्यादा जो ऑयल है वो क्रूड ऑयल है कौन परचेस कर रहा है आपका इंडिया परचेस कर रहा है अब देखिए हम ऑल दो वी आर मूविंग टूवर्ड्स द क्लीन एनर्जी हम यहाँ पे क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं रिनेबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं बट ये एक दिन का तो काम नहीं है कि हम एक दिन में हमने सारा पूरा ट्रांजेक्शन कर दिया इसमें टाइम लगता है चीजें टाइम लेकर चलती हैं जब तक हम यहाँ पर हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है तब तक तो हमें यहाँ पर क्रूड ऑयल की जरूरत है तो हमें क्या करना होगा उसे तो परचेस करना होगा सो या यू विल सी द यू इज ऑल्सो इंडिया ट्रस्टेड पार्टनर इन एनर्जी सिक्योरिटी एनर्जी सिक्योरिटी में भी यू बहुत ही ट्रस्टेड पार्टनर है बींग द ओनली नेशन फ्रॉम द रीजन विच हैज स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व स्टोर इन इंडिया यू ए एक ऐसा नेशन है जिसका जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है कहा इंडिया में आपका स्टोर uh, है एन एग्रीमेंट वॉज साइंड इन इंडिया इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो इंडिया का पेट्रोलियम रिजर्व है उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है अबू ढाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ जो कि वो क्या करेंगे आपका जो स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी मैंगलुरु में है वहां पर उन्होंने फोर्ट हंड्रेड मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट यहां पर इनिशिएट किया है जहां पर इंडिया का जो पेट्रोलियम रिजर्व है उसमें यहां पर बातचीत रिजर्व बताने की जो बातचीत चल रही है उसके बाद हम देखते हैं डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन में भी यहां पे पीपल जो पीपल टाइज हैं वो भी आज के टाइम पर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहे हैं नाउ uh, uh, आप सभी को पता है यू आई होस्टेड ओ आईसी फॉरन मिनिस्टर्स मीटिंग इन टू थाउजेंड नाइनटीन इंडिया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज एज अ की नोट स्पीकर गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री डिस्पाइट प्रोटेस्ट ऑफ सम नेशन अब देखिए 2019 में क्या होता है ओ की आपकी मीटिंग होती है है ना और उस मीटिंग में यूएई uh, क्या करते हैं इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होते हैं है ना आ, हमारी जो लेट सुषमा स्वराज जी हैं वो क्या करती हैं उनको इनवाइट करते हैं एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर कि वो क्या करें बहुत ज्यादा यहाँ पे जो कंट्रीज होती हैं पाकिस्तान यहाँ पे प्रोटेस्ट करता है बहुत सारी कंट्रीज जो इजिप्ट है वो प्रोटेस्ट करता है लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज प्रस यहाँ पर इंडिया को क्या किया जाता है गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह रखा जाता है सो इंक्लूडिंग इन 2018 इंडिया वाज अ गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री एट अ अबू धाबी फेस्टिवल अब जो अबू धाबी यहाँ पे फेस्टिवल होता है उसमें भी इंडिया को गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है जो यूए का एक एनुअल कल्चरल फेस्टिवल है और 2019 में इफ यू रिमेंबर दिस मिस्टर मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें जो यू का टॉप सिविलियन ऑनर होता है ऑर्डर ऑफ जायद वो उन्हें कन्फर्म किया जाता है सो तो आप देख सकते हैं कि कितना और टू में इंडिया का जो रिपब्लिक डे परेड होती है रिपब्लिक डे होता है उसमें चीफ गेस्ट की तरह हमने क्या किया था उन्हें यहाँ पर बुलाया था उसके बाद जी ट्वेंटी समिट में भी आप देखेंगे कि इंडिया की जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी में जो आई आई टी डेली अबू कैंपस हैज बिन यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया है और यहाँ पर हैदराबाद में टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में यू ए ने एक कंसल्टेंट जो कैंपस है उसको ओपन किया है सो so, आप देख सकते हैं कि यूए हमारे लिए कितना ज्यादा और हम यू ए के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक टाइज की बात करते हैं दोनों रीजन से यहाँ पे बहुत कंट्रीज एक साथ क्या करना चाहती हैं आपकी कोऑर्डिनेट करना चाहती हैं लाइक नंबर ऑफ ग्रुपिंग सचस आई टू यू टू अब I2 U2 में क्या है I2 में इंडिया एंड इसल आपका आ जाता है और U2 में ही यूएसए एंड यू तो इस तरीके के हमारे ग्रुपिंग्स हैं वेस्ट एशियन क्वाड इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड यू ओके यूए इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा प्रोजेक्ट है जो कि जी ट्वेंटी डेली समिट में आपका साइन हुआ था उसमें भी यूआई आपका एक पार्ट है ओके okay. उसके बाद आप देखेंगे इंडिया टू यूरोप अक्रॉस द अरेबियन पेनिसला हमारा जो ये एम है कि हमें यहाँ पे कॉरिडोर बिल्ड करना है और उसे कनेक्ट करना है जो कि एक पोटेंशियल राइवल है किसका चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सो आप देख सकते हैं कि हर एक उसमें इंडिया इज न्यूमर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अक्रॉस द ग्लोब बट नन डिस्प्ले मोर कन्वर्जेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट एट ऑल लेवल द वन विद यू इंडिया के बहुत सारे पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट्स हैं ग्लोब में आपको देखने को मिलेंगे लेकिन जो हमारा कन्वर्जेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट यूए के साथ है ऐसा रिस्पेक्ट आपको हर लेवल पर देखने को नहीं मिलेगा सो आई होप अब आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा और आपको इस आर्टिकल की इंपॉर्टेंस यहां पर समझ में आ गई होगी कि हर एक लाइन में आपको यहां पर फैक्ट और एनालिसिस समझ में आ रहा होगा सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू नाउन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज ओवर थ्री लैक्स आशास अप्लाइड फॉर सेंटर्स हेल्थ कवर ओके यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि आपके जो आशा वर्कर्स होते हैं वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ आशा एक्रीडिटेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट एंड जो आपके आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं हेल्पर्स हैं उन्हें क्या किया जाएगा आपका आयुष्मान भारत प्री, जो आपका फ्री पब्लिक हेल्थ कवरेज स्कीम है आयुष्मान भारत जो आपकी स्कीम है इसमें उन्हें क्या किया जाएगा आपका इंक्लूड किया जाएगा ओके आई होप इतना आपको इसका जो मेन क्रक्स है इस आर्टिकल का वो क्लियर होगा कि आप गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है कि दे विल इंक्लूड द आशा वर्कर्स आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स इन द आयुष्मान भारत स्कीम आपकी जो हेल्थ कवरेज स्कीम है इसमें उन्हें इंक्लूड किया जाएगा इसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है आपके जितने भी आशा वर्कर्स हैं आंगनबाड़ी हेल्पर्स हैं उनके यहाँ पर आधार जो डिटेल्स है उसको रिसीव किया है और उनका टारगेट है कि बाय फेबरी टू uh, 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 तक उन्हें ये पूरा जो काम है, है ना जो डिटेल्स है उन्हें कलेक्ट करना है फर्स्ट ऑफ मार्च जो इंक्लूजन है उस स्कीम में आपका जो हेल्थ uh, कवरेज है इसमें यहाँ पर वो हो सके सो so, पहले हम बात कर लेते हैं वॉट इज दीज आशा वर्कर्स सो आशा वर्कर्स आर वॉल्टियस फ्रॉम द विद्री हू आर ट्रेन टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एट क्सेसिंग बेनिफिट्स ऑफ वेरियस हेल्थ केयर स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट तो आशा वर्कर्स का काम क्या होता है जैसे की ये विदिन द कंट्री कम्युनिटी होती है फॉर एग्जाम्पल आप इस एरिया में रह रहे हैं तो इसी एरिया के हमने दस बारह लोगों को क्या कर लिया वॉलेंटियर केयर अब वो क्या करती हैं जो गवर्नमेंट की हेल्थ केयर स्कीम्स होती हैं है, है ना कई बार लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है पता नहीं होती है तो वो उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं सो दिस इज द वर्क ऑफ आशा वर्कर्स यू कैन सी दैट कि वो वॉलेंटियर करती हैं कम्युनिटीज में जाकर लोग इनको पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है इनको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है फिर ये क्या करते हैं जितने भी आशा वर्कर्स होते हैं ये पूरे यहाँ जाते हैं आपके जो भी आपके लोग होते हैं इनका रोल और वहां पे वॉलेंटियर करते हैं और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होती हैं उसके बारे में यहाँ पर उन्हें एक्सेस करवाते हैं लोगों को हेल्प करते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ये आशा वर्कर्स ओके सो द रोल ऑफ दीज कम्युनिटी हेल्थ वॉलेंटियर्स अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश इन टू तो सबसे पहले ये जो इन कम्युनिटी वर्कर्स को कब हमने किया था इन 2005 में एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि आशा वर्कर्स कौन हो सकता है सो प्राइमरली यहाँ पर जो मैरिड है विडोज हैं बिटवीन एज 25 टू फ्रॉम विद इन द कम्युनिटी वो विद इन द कम्युनिटी मतलब कि आप इस कम्युनिटी के हैं इस तो आपको यही के आप आशा वर्कर्स होंगे क्योंकि उन्हें क्या होता है अपने एरिया के बारे में पता होता है है ना कि यहाँ इस एरिया में इतने लोग हैं ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं सो मस्ट हैव अ गुड कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल ऑब्वियसली यहाँ पर आपका बातचीत करने का तरीका अच्छा होना चाहिए कम्युनिकेशन जो आपकी स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए तभी आप क्या कर पाएंगे अपने वहां पर कोई भी स्कीम आ रही है उसके बारे में बता पाएंगे अदरवाइज आप बोल ही नहीं पा रहे हैं तो कैसे आप उस चीज को कवर अप कर पाएंगे एजुकेशन मतलब यहाँ पर शुड बी लिटरेट एंड विथ फॉर्मल एजुकेशन अप टू तो क्लास एट मतलब क्लास एट तक आपने क्या किया हो आपके पास एजुकेशन हो ओके एज पर द गाइडलाइंस यहाँ पे प्रोग्राम की गाइडलाइंस इसका एम ये है कि द एम इज टू हैव वन आशा फॉर एवरी थाउजेंड पर्सन ऑफ पर हैबिटेशन इन हिली ट्राइबल एंड अदर स्पार्सली पॉपुलेशन एरिया तो यहाँ पर इनका हमारा एम ये है कि हर एक वन थाउजेंड पॉपुलेशन में है ना एक आशा वर्कर हो ताकि वो क्या कर सके उन्हें यहाँ पर पूरा बेनिफिट प्रोवाइड कर सके ना अब हम बात करते हैं इस स्कीम की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सो so, इसमें हम बात करते हैं आयुष्मान भारत इसमें ए बी भी आप ऐड कर लेंगे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई आपकी वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस और आप कह सकते हैं इंश्योरेंस स्कीम है जो कि फुली गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या जीती फाइनेंस की जाती है ये फेबरी टू में लॉन्च की गई थी इसमें आपको क्या होता है हर एक फैमिली मेंबर को Family, sorry, member, पर फैमिली सॉरी नॉट फैमिली मेंबर पर फैमिली को यहाँ पर फाइव लाख रुपीज का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है आई होप आपको क्लियर होगा कि ये फैमिली मेंबर है जो आपका सो so इसमें आपको क्या किया जाएगा पांच लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस दिया जाएगा फॉर द सेकेंडरी केयर विच नॉट इन्वॉल्व सुपर स्पेशलिस्ट एज वेल एज टर्शरी केयर विच इन्वॉल्व सुपर स्पेशलिस्ट ओके सो अंडर पीएम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कैशलेस पेपरलेस एक्सेस टू सर्विस आर प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशरीज एट अ पॉइंट ऑफ सर्विस दैट इज हॉस्पिटल तो यहाँ पर आपको सर कार्ड लेकर जाना पड़ेगा और आपका यहाँ पर आपको कोई पेमेंट अब ऐसा नहीं करना होगा गवर्नमेंट क्या करेगी डायरेक्टली आपको फाइनेंस करेगी ओके okay? सो so, ये है आपका क्या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं ऑपरेशन so अब देखिए यहाँ पर रफा ऑपरेशन के चलते जो हमारे इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये प्रोमिस किया है कि देके पेलितीनियन सिविलियंस है उनका सेफ पास यहाँ पर होगा उन्हें कोई भी यहाँ पर खतरा नहीं दिया जाएगा सो द थ्रेड ऑफ अन इजराइली इन इन टू गाजा साउथ इन मोस्ट टाउन ऑफ द रफा परसिस्टेंट ऑन सनडे बट इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नैतान न्यू प्रोमिस्ड सेफ पासिस टू सिविलियंस डिस्प्लेस डिस्प्लेज तो यहाँ पर जितने भी सिविलियंस डिस्प्लेस हैं सो इस रफा ऑपरेशन में क्या किया जाएगा उन्हें सेफ डिस्प्ले पासिस प्रोवाइड की जाएगी अभी रफा ऑपरेशन क्या है रफा बॉर्डर के बारे में पहले हमें क्रॉसिंग के बारे में बता दिया जाए सो so इजिप्ट से आप यहां पर आएंगे ये दिस इस इज इस इसराइल इस इस सो so ये पूरा इजराइल है आपको यहाँ पर ऐसे आप ऐसे समझे आपको ज्यादा क्लियर होगा ये गाजा स्ट्रिप है और ये इजराइल तो यहां से ये जो पूरा है ये रफा क्रॉसिंग मतलब यहाँ पर जो क्रॉसिंग है ये पूरी आपकी हो रही है यहीं से पूरा जो आपका एड वगैरह है वो एड वगैरह है वो सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है तो आपको ये लोकेशन याद रखनी है लोकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू सो आज के लिए इतना ही आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें सो दैट्स फॉर ऑल टूडे थैंक यू Thank you so much for discussion.